अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। हमारे पास है टोयोटा हिलक्स है, इसकी फ्यूल वार्निंग लाइट जो है वो ऑन है, रिप्लेस फ्यूल फिल्टर ऑन है इसका। अभी हम लोगों ने इसको रीसेट करने है, देख सकते हैं हमारे पास रिप्लेस फ्यूल फिल्टर ऑन हो गया है, तो फ्यूल फिल्टर भी हमने बदला दिया है। उसके बाद अभी हम इसको रीसेट करेंगे ताकि ये लाइट दोबारा ना आए। सबसे पहले हम स्विच को ऑफ कर देंगे और फ्यूल फिल्टर का जो बड़ा ग्रिप है ये वाला, ये हम इसको उतार देंगे, इसको इस तरह उतार देंगे और तकरीबन 5 से 6 सेकंड के बाद हम 10 सेकंड के बाद स्विच को ऑन कर देंगे। अभी हम गाड़ी में आ गए हैं, दोबारा अभी हम स्विच ऑन करेंगे और 10 सेकंड के बाद हम इसके ग्रिप को लगाएंगे। 10 सेकंड के बाद हम इसके ग्रिप को लगाएंगे। वो लड़का, इसने अभी यहाँ पर लगा दिया ग्रिप और देख सकते हैं अभी हमारी लाइट रीसेट हो गई है, कोई कोड नहीं आ रहा और वार्निंग लाइट भी और ट्रायंगल लाइट भी चली गई है। गाड़ी अभी हमने स्टार्ट भी कर दी है। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।